हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस समय प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कलीसिया आप सभी को जय मसीह की। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता है, बचाता है, छुड़ाता है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थ्य है, जो परम प्रधान है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और जो हमारे मांगने से पहले जानता है और समय समय पर हमारी सारी आवश्यकताओं को हमारा परमेश्वर पूरा करता है। कली से परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जहां कहीं सभी समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं, परमेश्वर के सम्मुख आए, निकट आए, प्रभु के करीब आए, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। और आज हम सब चाहते हैं कलीसिया कि हमारा परमेश्वर हमारे निकट आए, वो हमारी सुधि ले, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। तो आज हमें अपने परमेश्वर के निकट आना है, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के करीब आना है, उसके हाथों में सब कुछ सरेंडर करना, समर्पण करना। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारी परमेश्वर की आज तक की भलाई को याद करते प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज के दिन तक हमें संभाल के रखा, पूरा दिन भर हमें संभाला, हमारे आने जाने मार्गों में हमारी मदद किया, हमारी जॉब प्लेस में परमेश्वर ने संभाला, हमें सही सलामत परमेश्वर लेके गए, वापस लेके आए घर पर। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हर एक तरह के एक्सीडेंट से बचा के रखा, पूरे परिवार को संभाल के रखा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक एक जन इस समय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो सामर्थ्य है, जलाली है, परम प्रधान परमेश्वर है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमें चंगाई देने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें कमजोरियों में बल देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें अपनी सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थनाओं को झुक करके सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन इस समय जहां कहीं भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की सारी भलाई को अपने जीवन में याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की सारी भलाई को याद करें, उसकी सारी रहमतों को, आशीषों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। किस तरह से हमारे परमेश्वर ने हमें आज तक संभाल के रखा, अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन थालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करते जाएंगे। प्रभु, हम अंधकार में थे, आप हमें रोशनी में लेके आए, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर इस जगत की क्या है, वो ज्योति है। और वो ज्योति जब परमेश्वर हमारे जीवन में आए, सारे अंधकार को दूर किया, और वही ज्योति परमेश्वर हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को परमेश्वर ने प्रकाशमान कर दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो प्रकाशमान परमेश्वर है, वो तेजो में परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, उस जलाली सामर्थी हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें और आत्मा में जुड़ जाए परमेश्वर के साथ, उसकी हजूरी में कनेक्ट हो जाए। जहां कहीं से भी इस समय प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आप इस समय परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज जुड़ जाए आत्मा में। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु जी, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में दे देता हूं। आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो भी आपने कहना कि प्रभु जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। आज हर एक जन कहे, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे उठा के खड़ा कीजिए, मुझे पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा संभाल लीजिए, मैं आज प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऐसे हर एक जन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर के सम्मुख इस समय
एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। हालेलुया, यदि आप इस समय अपने परिवार में है तो पारिवारिक प्रार्थना में आए और आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते परमेश्वर से। अपनी एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट अपने परमेश्वर के सम्मुख रखनी है, उससे पहले प्रभु का धन्यवाद करें, अपने आप को सरेंडर करें, एक वर्शिप करें अपने परिवार में बैठ के, उसके बाद अपनी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखना शुरू करें। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। हालेलुया, जिसका वचन कहता है कि उसका कान बहरा नहीं है कि हमारी प्रार्थना को ना सुन सके, बल्कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, बल्कि झुक के सुनता है और उत्तर देता है, और अद्भुत और बड़ी गवाहियों के साथ हमारा परमेश्वर हमें क्या खड़ा करता है। हालेलुया, इसलिए सभी जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आप अपनी बीमारी के बिस्तरों पे हैं, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे, आप सुन नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, आपके पैरों में स्वेलिंग है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं परमेश्वर से, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। पर कलीसिया, यही समय है जब आप दुख में परेशानी में हैं, जब आपके जीवन में डिसेबिलिटीज है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तभी आपने परमेश्वर के सम्मुख उसी दर्द के साथ, उसी परेशानी के साथ, उसी तकलीफ के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठना है और प्रभु को अट्रैक्ट करना, उसकी अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करना अपनी ओर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जैसे अय्यूब ने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया था, अपने दुख के दिनों में भी, जब सब कुछ चला जाता है, अपने दुख के दिनों में भी उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना, परमेश्वर के सम्मुख बैठना नहीं छोड़ा, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया, बल्कि वो अपने दुख में भी आनंदित रहा, क्योंकि उसे पता था, उसने परमेश्वर के वचन में लिखा है अय्यूब में कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर, वो युगानुयुग जीवित है। वो अपने परेशानियों की तरफ, अपनी तकलीफ, अपने दर्द की तरफ, अपने अपने उस कोड़े फोड़ों वाले बॉडी को ना देखते हुए वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है कि परमेश्वर आप कितने महान है, आपकी आज्ञा ये बादल मानता है, ये बारिश मानता है। वो इस तरह से परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को याद करते हुए वो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया, तो क्या होता है जब वो परमेश्वर में बना रहता है, अड़ा और खड़ा रहता है, तो परमेश्वर उसे आजाद करते हैं, जो कुछ उसके जीवन का खोया हुआ होता है प्रभु उसे दुगने भाग से वापस लौटाते हैं। हालेलुया, ठीक उसी तरह से कलीसिया, आज प्रभु आपको आपके जीवन का खोया हुआ वापस करना चाहते हैं। इसलिए सभी जन परमेश्वर के सम्मुख आ जाए, उसके निकट आए। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थ्य है, और इस समय हमारे बीच में, इसलिए सभी जन परमेश्वर के हाथों में सब कुछ अपना सरेंडर करें, समर्पण करें और कहें प्रभु आज मेरी शुद्धि लीजिए, मेरी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दीजिए। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप जलाली हैं, आप सामर्थ्य है, आप सब कुछ पूरा करके देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जलाली और सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सभी जनों के लिए प्रभु, जितने जन इस समय आपकी हजूरी में है, आपके करीब आए, आपके सम्मुख बैठे प्रभु, अपने घुटनों पे प्रभु रुगर सच्चाई से प्रभु आपको पुकार रहे, आज एक एक की प्रार्थना को सुने, आज एक एक की प्रार्थना को सुने, उत्तर दीजिए, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक तरह की कमजोरी से आजाद की जा, हर एक तरह की थकावट आजाद करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक तरह की मसल की पेन से आज आजाद कीजिए, थैंक यू जी। हर एक तरह की स्टिफनेस से आज आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, थैंक यू जी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। इसलिए कलीसिया, आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी भी होने से आज परमेश्वर के निकट आए, आपके हालात कैसे भी होने से आज परमेश्वर के सम्मुख आए, एक मन हो जाए और सभी को कनेक्ट करें परमेश्वर की हजूरी के साथ। आप अपने जीवन को लेकर इतना चिंतित, इतना परेशान है कि अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय किया, आए परमेश्वर के सम्मुख बैठे परमेश्वर के सामने और कहे प्रभु जी आप जीवन को बदलने वाले प्रभु है। और यदि आप पहली बार परमेश्वर के हुजूर के साथ कनेक्टेड है, अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर, हालातों को लेकर दुखी और परेशान है, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि जो आपने अपने जीवन के लिए गलत डिसीजन लिए है, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते कि हर एक आपका गलत डिसीजन वो बदल जाए, वो चेंज हो जाए और परमेश्वर आपको आज जीवन दे, वो जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। आज आपका शुए और आजाद करे, अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ प्रभु का पवित्र आत्मा आपको उठा के खड़ा करे बीमारी के बिस्तर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए कल से अपने आप को तैयार करें प्रभु के लिए, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 5 अध्याय उसके 48 वचन में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में कई बार हमसे बात करते हुए कहते हैं कि हमें सिद्ध बनना है। हालेलुया। कोई भी सिद्ध नहीं है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के सिवा, कोई भी सिद्ध नहीं है। नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमारे प्रभु का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि सिद्ध बनो। हालेलुया। और प्रभु अब्राहम को भी इतना साल बुजुर्ग हो गया, वो बूढ़ा हो गया, और जब उसका बेटा हुआ तो वो भी प्रभु ने उसे मांग लिया, तो परमेश्वर उसे क्या कहते हैं कि अब्राहम मैं जान चुका कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, इसलिए मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। बार बार हमारा परमेश्वर हमसे कहते कि हम सिद्ध हो, दैट मीन्स कि हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ध्यान करने की जरूरत है। हर परिस्थिति में हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में स्टैंड लेने की जरूरत है। हर एक लाइफ के क्षेत्र में हमें सिद्ध होने की जरूरत है, ताकि हम अपने परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से प्रकट कर सके, जाहिर कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन आइए परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों पे आए और प्रार्थना करना शुरू करें और कहे प्रभु आज मुझे सिद्ध बनाए। प्रभु यीशु मैं आपके आगे प्रार्थना करता कि मुझे सिद्ध बनाए। सभी जन कलीसिया जहां कहीं से भी समय परमेश्वर के हुजूर के साथ कनेक्टेड है, कहे प्रभु हमें सिद्ध बनाए, हमें पवित्र बनाए, हमें निर्दोष बनाए, हमें निष्कलंक बनाए। आज प्रार्थना करते प्रभु आपके सम्मुख आते हुए हर एक जनों के लिए प्रभु एक एक जनों को छुए और ब्लेस कीजिए। सभी जनों को छुए और ब्लेस कीजिए। इनकी लाइफ के हिस्सों को परमेश्वर छू लीजिए और ब्लेस करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक जनों को परमेश्वर छू लीजिए अपने सामर्थ्य भरे हाथ के द्वारा। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु इनकी लाइफ के सारे हिस्सों से परमेश्वर इनको छूने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हर एक तरह के बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए, बीमारी के बिस्तर पे उठ के खड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर्दी जुकाम बुखार खांसी इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हर तरह की गले की इन्फेक्शन, गले की दर्द से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी आपके शरीर में गांठ है, कहीं भी है, आज यीशु के नाम से वैनिश्ड हो जाए, यीशु नासरी के नाम से वैनिश्ड हो जाए, यीशु नासरी के नाम से आपको छोड़ के जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी मदद करे, सहायता करे और आपको उठा के खड़ा करे, आपको उठा के खड़ा करे उन बीमारी के बिस्तरों से। हर एक तरह की बॉडी की स्टिफनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर दर्द से आजाद हो जाए, टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक तरह के हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर तरह की इंफेक्शन इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पेट की दर्द से, पेट की बीमारी से इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छुए और उठा के खड़ा करे और चंगा करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो दर्द आपके शरीर के हिस्से में सर से लेकर पैरों के तलवों तक है, इसी वक्त यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको छोड़ के जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो घाव, वो जख्म जो सूख नहीं रहे और शरीर के अंदर या बाहर है, जो डायबिटिक फुट है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर के वो वचन, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे गांव का इलाज करेगा और हम चंगा करेगा। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के इस वचन को क्लेम करते हैं आज आपके जीवन से। हर एक तरह का घाव आज सूख जाए यीशु के नाम से। हर एक तरह का घाव जो शरीर के अंदर जा बाहर इसी वक्त सूख जाए और आपको छोड़ के जाए, और छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे प्रभु के हाथों में, पूर्ण रीति से सरेंडर करे। वो हमारा परमेश्वर जो हमें संभालता है, बचाता है, छुड़ाता है और उठा के खड़ा करता है। हर एक तरह के बंधन से वो हमें आजाद करता है। आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे अपनी लाइफ के हर एक हिस्सों को। आज परमेश्वर के हाथों में एक बार फिर से सरेंडर करना शुरू करे। वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है और हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है, आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करे और
कहे प्रभु आज मेरे जीवन पर दया कीजिए। आज हर एक जन कहे प्रभु मुझे अपनी दया से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए, उठा के खड़ा कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए, आज एक एक जनों को छुए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। जितने जन प्रभु इस समय हॉस्पिटल से आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड है, अब बीमारी के बिस्तरे पे है, बीमारी के बिस्तरे पे है, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, प्रभु इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अपने बिस्तरों से उठ के खड़े हो जाए, खड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक तरह की दुर्बलताइयां आज आपको छोड़ के जाए, कमजोरियां यीशु के नाम से जाए, जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, वो शुगर की बीमारी जो डॉक्टर ने कहा है कि आपको इसके साथ ही जीना है, आज यीशु के सामर्थी नाम से वो नाम जो परमेश्वर के वचन कहता है कि जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में जीवन है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक तरह की डायबिटीज से आज आजाद हो जाए, आज चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हर एक तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए परमेश्वर के सामर्थ्य जलाली नाम से, यीशु के नाम से हर एक तरह के इन्फेक्शन आज आपके शरीर को छोड़ के जाए, आज आपके शरीर को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हड्डियों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डियों का गैप यीशु के नाम से भर जाए, हड्डियों बीमारी से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक्सीडेंटल केस बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से बंधन टूटे और आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए और आजाद हो जाए। खिलाया पिलाया आज यीशु के नाम से बाहर आए, बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और फ्री हो जाए, फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, हर एक तरह की छुपी दुष्ट आत्मा आज यीशु नासरी के नाम से जाहिर हो और आपको छोड़ के जाए, आपके बच्चों को छोड़ के जाए, आपके परिवार से जाए परमानेंट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कर्जे की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए परमेश्वर। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इनके लिए डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए और अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जिनके एग्जाम है प्रभु उन्हें संभाल के रखने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हर एक तरह की परेशानी से आजाद करने के लिए प्रेमी पिता आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आंखों की प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आंखों से धुंधला दिखता है, कम दिखता है, जब दिख नहीं रहा आज यीशु के नाम से देखने लगे, वो यीशु के नाम से देखने लगे, जो सुन नहीं पाते यीशु नाम से सुनने लगे, हालेलुया, जो बोल नहीं पाते यीशु नासरी के नाम से बोलने लगे। हर एक तरह की गांठ आज आपको छोड़ के जाए, जकड़न आजाद हो जाए, हर एक तरह की जकड़न से इसी वक्त यीशु के नाम से आजाद हो जाए। जो प्रार्थना नहीं कर पाते आज हम प्रार्थना करते कि वो प्रार्थना के शूरवीर योद्धा बन के खड़े हो जाए, प्रार्थना के शूरवीर योद्धा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बन जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो रात भर सो नहीं पाते, आज रात जब सोते प्रभु हम प्रार्थना करते उनके लिए कि मीठी प्यारी नींद देना, स्वप्न दर्शन के जरिए बात करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पूरी रात भर संभाल के रखना प्रभु, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रेमी पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु, जो जॉब लेने के लिए प्रभु आपके सम्मुख आए हैं और प्रार्थना करे जॉब के लिए प्रभु जी, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, हर एक तरह की शर्मिंदगी से आजाद कीजिए और बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, बेबी ब्लेसिंग की गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट गवाहियों के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, अद्भुत और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जिनका रिजल्ट आने वाला है बेस्ट मार्क्स के साथ, उन्हें पास करने के लिए प्रेमी पिता हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जो वीक है और खाया पिया लगता नहीं है, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए और आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की कमजोरियां आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु इन्हें पवित्रता का जीवन दीजिए, इन्हें सिद्धता में रहने के लिए प्रभु मदद और सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए, जरों की मदद और सहायता करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक मसीही लाइफ में स्थिर रहने का प्रभु आत्मा देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु डिसीजन मेकर बनने के लिए, एक जनों की मदद और सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी सब। प्रभु जी आज हम खास प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो खड़े नहीं रह पाते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आत्मिक जीवन में वो खड़े रह सके, अपने डिसीजन के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए प्रभु वो खड़े रह सके, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह मदद और सहायता कीजिए, हर एक तरह से आजाद और रिहा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ पूरा करने वाले प्रभु आप है, सब कुछ सही करने वाले प्रभु आप है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, गवाही के साथ खड़ा कर दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिए, चंगाई दे दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। दया करो आशीष दो पिता परमेश्वर, मदद और सहायता कीजिए, सब कुछ पूरा करके दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। दया करो आशीष प्रभु यीशु, सारे बंधन तोड़ दिया प्रभु, गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत ही नजदीक है, सभी सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज रात भी आपका आगमन होने से प्रभु हम सब महिमा में बदल जाए, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। आज की प्रार्थना को कलीसिया सभी के साथ शेयर करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और अब सभी को इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई के लिए, जो कि चर्च का एनिवर्सरी है, तो अपनी टिकट्स को बुक करें, अपने लिए इंतजाम करें। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो गवाही को देना नहीं भूलें, गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, सभी जन परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रार्थनाओं को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके दे उन लोगों को जिन्हें करना नहीं आता है, जिन्हें पता नहीं है, ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी के साथ सबसे पहले और टाइम टू टाइम कनेक्ट हो सके। हालेलुया, अपनी गवाही को देना नहीं भूलना, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। हालेलुया, तो अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना है, चर्च भवन की जमीन के, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए, अपने दान, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को प्रभु के राज्य में आप बोल सकते हैं QR स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज से कहे हालेलुया।